लाल दरवाजे, छतरी नाका, उपगुड़ा, कंदीकल गेट, गोलीपुरा, सुधा टाकिस के रहने वाले बीजेपी के चाहने वालों, तुमने बीजेपी को और दिया, तुमको क्या मिला? इन लोगों ने मुझे दिया, दवाखाने मिले, स्कूल मिला, सब कुछ मिला। क्या बीजेपी ने तुम्हारे बच्चों के लिए एक स्कूल बनाया? आपको जरूरत नहीं है बोलने की, उनको बोलने दीजिए। मेरा सवाल उनसे, लाल दरवाजे वालों, कोई स्कूल मिला? गोलीपुरा वालों, कोई दवाखाना मिला बीजेपी की तरफ से? कोई नौकरी मिली? अरे मैं कहता हूं, तुम मुझे अपना दुश्मन कहते हो ना, इतने स्कूल बनाया, अरे आज ऐलान करता हूं, एक स्कूल तुमको भी बना के दे दो। वोट देते हो दो या ना दो, वो तुम्हारा दिल है, ये हमारा दिल है। वो तुम्हारा जर्फ है, ये हमारा जर्फ है। आओ, अरे यहां खड़े रह के कह रहा हूं, आओ। अगर कोई संगम के लोग आएंगे कहेंगे, अकबर भाई स्कूल में टीचर की नौकरी दे दो, तो हिंदू को मैं अपने स्कूल में टीचर की नौकरी देने के लिए भी तैयार। आओ, अगर गोलीपुरा सुल्तान शाही से कोई हिंदू आता है तो आए, ओवैसी हॉस्पिटल, असरा हॉस्पिटल में नौकरी देने के लिए भी तैयार। अरे हम सबको लेकर चलते हैं, लाल दरवाजा, गोलीपुरा, सुल्तान शाही, छतरी नाका, उपगुड़े की गुर्बत हिंदू राष्ट्र से दूर होने वाली नहीं है। बेरोजगारी सिर्फ नारे लगाने से नहीं होगी, गेरुआ परचम लेके जाने से नहीं होगी। 20 बरस पहले अगर तुम भी साथ हो जाते तो तुम्हारे पास भी एक दो चार स्कूल बन जाते। अरे यही है, यही है। अरे हम काम कर रहे हैं, खुदारा खुदारा मुनज्जम हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ, और बीजेपी, टीआरएस, कांग्रेस, टीडीपी, कोई भी हो, सुन लो, तुमसे डरने या घबराने वालों का नाम मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन नहीं है। ना तुमसे घबराते हैं, ना तुमसे डरते हैं।